नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, कल की मूवी रिलीज हो गई है और मैंने सोचा कि क्यों ना अश्वत्थामा जी के ऊपर एक बेहद ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली और चौंकाने वाली बिल्कुल सच्ची घटना के ऊपर कहानी बनाऊं। दोस्तों, अश्वत्थामा जी के और देखे जाने की घटना आए दिन आती रहती है, खास करके मध्य प्रदेश में। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक शिवलिंग है जहाँ पर रोज सुबह प्रातः काल के समय अश्वत्थामा जी सबसे पहले पूजा करके चले जाते हैं। लेकिन आज की स्टोरी मैं इससे टोटली डिफरेंट बताऊंगा। आज की जो स्टोरी है वो लगभग 30 साल के पहले की है, यानी कि बहुत समय पहले की नहीं है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले, मैं हॉरर और मिस्टीरियस कहानियां लाता रहता हूँ, साथ ही साथ जो फॉरेन लेजेंड्स हैं जैसे कि वेंडिगोस या जापानीज लेजेंड, मैं उनके ऊपर भी कहानियां लाता रहता हूँ। तो अगर आप सभी को इस तरीके की स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर से दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, कहानी में आगे जाने से पहले, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि अभी भी 8 चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी मतलब जो कि कलयुग के अंत तक रहेंगे, वो मरेंगे नहीं। 8 चिरंजीवियों के नाम इस तरीके से है: द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, महाबली जिन्हें कि बलि चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है और ये पाताल के राजा है, और महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी और मार्कंडेय जी। तो ये 8 चिरंजीवी हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कल्कि पृथ्वी पर अवतार लेंगे, ये सारे चिरंजीवी उनकी सहायता करेंगे। तो उनमें से एक जो अश्वत्थामा जी हैं, वो एक श्राप के कारण अभी भी इस पृथ्वी पर रह गए हैं और उनके जो माथे पे मड़ी लगी हुई थी उसका घाव अभी भी भरा नहीं है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मैंने एक गुरुजी के द्वारा सुनी है। मुझे उनका नाम नहीं पता और ना ही उनके चैनल का नाम, नहीं तो मैं आप सभी को अवश्य से बता देता। तो आगे की कहानी, तो ये घटना 1990s की है। गुरुजी के दो शिष्य थे और वो चंबल गांव में एक पुजारी के यहाँ गए थे। उस समय पुजारी जी की उम्र लगभग 100 साल की थी और वे दोनों इसलिए गए थे कि वो उनसे आग्नेयास्त्र की शिक्षा ले सके। दोस्तों, आग्नेयास्त्र एक तरीके का डिवाइन वेपन है, यानी कि दैविक अस्त्र है जिसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और ये अस्त्र जब चलता है तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा धमाका जैसा होता है जिससे आग लग जाती है, यानी कि अग्नि की वर्षा होती है। उधर आप सभी ने महाभारत सीरियल में तो इस अस्त्र को देखा ही होगा। कहा जाता था कि इस पुजारी जी के पास भी ये अस्त्र था और अग्नेयास्त्र की शिक्षा पाने के लिए ही उनके दोनों शिष्य घर आए थे, जिनकी उम्र करीब करीब 100 साल की थी। तो वे दोनों वहां से लौट कर आते हैं और फिर उनके गुरु जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों गए थे अग्नेयास्त्र की शिक्षा लेने? उन्होंने कहा कि हमें अग्नेयास्त्र तो नहीं मिला। गुरु जी के पूछे जाने पर दोनों शिष्यों ने कहा कि हमें अग्नेयास्त्र की शिक्षा तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प कहानी उन पंडित जी ने बताई है। उन्होंने कहा कि पुजारी जी लगभग 70 साल पहले की कहानी हमें बताई, लगभग 1920 से 1925 के बीच के आसपास की। उस पुजारी जी की उम्र उस समय करीब 25 से 28 साल की रही होगी और वे कहते हैं कि वह भगवान की आस्था में लगे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले पंडित जी थे वो, और पूरे गांव में उनका बहुत ही ज़्यादा आदर और सत्कार से नाम लिया जाता था। और उसी गांव में एक जमींदार था। जमींदार पैसों के मामले में काफ़ी ज़्यादा धनी था, उसका पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा रुतबा था और वो साथ ही साथ गुंडागर्दी भी किया करता था गाँव वालों से। उसने उस गाँव में काफ़ी लोगों की जमीन हड़पी हुई थी और उसके खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। और उस जो जमींदार था उसको उस पुजारी जी की बेटी पसंद आ गई थी और उनसे शादी करने के लिए वे कुछ लोगों को पंडित जी के पास भेजते हैं और वे लोग से कहते हैं कि जमींदार जी दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए कोई मुहूर्त बताओ। पुजारी जी ने उन्हें एक मुहूर्त बताते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अब इसी दिन अपनी बेटी को तैयार रखना क्योंकि जमींदार जी आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। पुजारी जी ये सुनकर बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं कि उनकी मासूम सी बेटी है और वो उस हैवान को उसकी बेटी कैसे सौंप सकते हैं।
उनके पास लेकिन कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि वह जमींदार को टक्कर किसी भी तरीके से नहीं दे सकते थे। और जब भी अपनी बेटी को देखते थे तो वह रोने लगते थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उनके घर पर एक साधु आता है। वो साधु अपने शरीर के चारों तरफ कंबल लपेटे हुए था, यहाँ तक कि उसने अपना चेहरा भी ढका हुआ था। उसका चेहरा भी ठीक तरीके से नहीं दिख रहा था। उस समय काफी रात हो गई थी। वो साधु पंडित जी के घर पर पहुँचता है और उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है। खाने में वो सिर्फ जौ की रोटी ही मांगता है। पुजारी जी उसे खाना देते हैं और वो खाना खा के पुजारी जी से पूछता है कि तुम्हारा मुंह देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम पे काफी भारी संकट आया है। और फिर पुजारी जी रोते रोते उसे सारी बात बता देते हैं। साधु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे केवल 7 दिन तक लगातार खाना खिलाओ और मैं तुम्हारी संकट को दूर कर दूंगा। साधु जी ने पंडित जी से यह कहा कि वो उन्हें सिर्फ 7 दिन तक लगातार खाना खिलाए और वो उनकी इस समस्या का समाधान कर देगा, और वो 7 दिन तक केवल एक ही टाइम खाएगा। फिर पुजारी जी के दिल में थोड़ी सी आशा जगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि ये बूढ़ा साधु क्या ही कर लेगा। उनके लगातार साधु जी को 7 दिनों तक खाना खिलाया और उनका काफ़ी ज़्यादा आदर सत्कार किया। और दोस्तों, इन दिनों उन्होंने जो ये बूढ़े साधु व्यक्ति थे, जो कि अश्वत्थामा थे, इन्हें कभी भी लेटे हुए नहीं देखा। वो हमेशा बैठे ही रहते थे, अपना सर झुकाए, और ना ही वो ठीक तरीके से किसी को देखते थे। जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो जमींदार की ओर से कुछ लोग आते हैं और पुजारी जी को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि शादी के लिए कुछ रस्म है जो उनको करना है। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अश्वत्थामा थे, लेकिन और किसी को ये बात नहीं पता था। वह कहते हैं कि इन लोगों से कह दो कि ठीक है और इनके साथ मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं इस लड़की का दूर का रिश्तेदार हूँ, जो कि इसका दादा लगता हूँ। पुजारी जी ने बिल्कुल वैसा ही कहा और साधु पंडित जी और अश्वत्थामा जी सब लोग वहाँ जाने लगे। और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे गए, अश्वत्थामा जी ने पंडित जी से कहा कि सुनो, मैं रात से यहाँ गुजर रहा था, फिर तुम्हारी दुख की तरंगे मेरे से टकराई। क्योंकि तुम मेरे ही गोत्र के हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया, और मैं तुम्हारा पूर्वज अश्वत्थामा हूँ। अब जैसे मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना, और आज के बाद हमारी भेंट कभी नहीं होगी। इतना सुन के वो पुजारी जी डर गए, क्योंकि कोई शख्स जो कि एक बहुत ही अजीब तरीके से दिख रहा है, वो अपने आप को महाभारत काल का अश्वत्थामा बोल रहा है। पुजारी जी उनके साथ चलते रहे और फिर जमींदार के घर के पास पहुंचते हैं। वहां पे जमींदार और उनके लोग सब लोग वहां पर बैठे हुए थे, और वो अश्वत्थामा जी जाते हैं उनके घर के सामने, जमीन पर बैठ जाते हैं और जमीन से एक चुटकी मिट्टी निकालते हैं। मिट्टी लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और पुजारी जी को बुलाकर यह कहते हैं कि सुनो, जितना तेज हो सके उतना तेज यहाँ से भागो, और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना। पुजारी जी थोड़ा घबराते हैं और अपना सिर हिलाते हैं, और फिर अश्वत्थामा जी ने उन्हें भागने का इशारा किया। पुजारी जी काफी तेजी से वहां से भागने लगते हैं, यानी कि इतना तेज से वो अपने जिंदगी में कभी भी नहीं भागे थे। और कुछ दूर भागने के बाद उन्हें अपने अपने पीछे से एक बहुत ही ज्यादा तेज विस्फोट की आवाज सुनाई देती है, और उस विस्फोट में इतना तेज था या इतना कि उस विस्फोट के प्रभाव से वो पुजारी जी भागते हुए गिर जाते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद गांव वाले उस विस्फोट की आवाज सुनकर उस घर के पास आने लगे, और उन्होंने रास्ते में ही पुजारी जी को देख लिया था। वो सब डर के मारे इनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ। पुजारी जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं वहां से भाग रहा था और पीछे एक बहुत ही तेज आवाज की विस्फोट सुनाई दी, और जिस जगह पे विस्फोट हुआ था वहां पर एक काफी ज्यादा दूरी में गड्ढा बन गया था, और उस गड्ढे में या उस गड्ढे की बाहरी परत कांच जैसा बन गया था। मिट्टी में कांच जैसा ऐसा तभी बनता है जब कुछ बहुत ही ज्यादा गर्म चीज मिट्टी से टकराती है। तो हो सकता था कि अश्वत्थामा जी ने अग्नियास्त्र का प्रयोग किया था और उस जमींदार और उसका घर सब कुछ जलकर खाक हो गया था। बाद में पुजारी जी ने सभी को बताया कि वह साधु जी ने किया है जो कि उनके घर पर रहता था, लेकिन गांव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव वालों को लगा कि ये पंडित जी ही कुछ सिद्धि किए हुए हैं और इन्होंने ही वो अग्नियास्त्र चलाया था, लेकिन वास्तव में उस अग्नियास्त्र को अश्वत्थामा जी ने चलाया था। पुजारी जी के लाख कहने के बाद
कि वो अस्त्र उन्होंने नहीं चलाया था। गांव वालों की नजर में पुजारी जी की रिस्पेक्ट और बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ एक रहस्यमय हथियार से हमला किया था, ना सिर्फ उन्होंने उस जमींदार और उसका पूरा साम्राज्य खत्म किया, बल्कि उन्होंने इस वेपन का यूज किया जिसे अग्नियास्त्र कहा जाता है। और उसके बाद से पुजारी जी और उनकी बेटी सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि वो पुजारी जी अभी जीवित है या नहीं, लेकिन आप सबको क्या लगता है कि वो कोई अग्नियास्त्र ही था या फिर क्या था? साथ ही साथ आप सबको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि जरूर से पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।